नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्मृति और स्मृति किचन में आपका स्वागत है। मैंगो सीजन खत्म होने से पहले मैंगो का कोई स्वीट बना लेते हैं। चलिए आज देख लेते हैं मैंगो पेड़ा। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे बनाने के लिए हम कढ़ाई में लेंगे 1 चम्मच घी, अब इसमें डालेंगे ग्रेटेड पनीर। पनीर से ये पेड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे और स्वादिष्ट बनाएंगे इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से ये पेड़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। मिल्क पाउडर डालते हुए एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 50 ml मिल्कमेड। मिल्कमेड में तो शक्कर रहता ही है, तो इसमें शक्कर डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मैंगो पल्प। मैंगो पल्प बनाने के लिए एक अच्छा सा राइप मैंगो लीजिए और उसका छिलका निकाल के उसे ग्राइंड कर लीजिए और उसे ऐड कर लीजिए। मैंगो का टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहेगा इस पेड़े में। अब हम इसका कलर और स्वाद और बढ़ा लेते हैं। इसमें डालेंगे नेचुरल केसर। नेचुरल केसर मैंने पहले से ही हॉट दूध में भिगो के रखे हैं, वो डाले हैं। देखिए कितना बढ़िया फ्लेवर है, कितना बढ़िया कलर है। कार्डमम के बिना स्वीट में फ्लेवर कैसे आएगा यार। चलिए डाल देते हैं अच्छा सा कार्डमम पाउडर। देखिए कितना बढ़िया फ्लेवर है, कितना खुशबू है मैंगो पेड़े का। अब हम इसमें डालेंगे कैशू और बादाम 50 ग्राम्स पाउडर करते हुए। इससे स्वाद और भी बढ़िया बनता है, मैंगो पेड़े का टेस्ट बढ़िया बनता है। अब हम इसमें घी डालते हुए इसे स्टिर करते रहेंगे। घी से इसका स्वाद भी बेहतर बनता है, इसका टेस्ट भी बेहतर बनता है और ये पैन में चिपकेगा भी नहीं। इसे तब तक स्टिर करेंगे जब तक ये पूरा एक लंप ना बने। लंप माने एक साथ ये जुड़ेगा। अब देख लीजिए, ये देखिए इसे एक साथ जुड़ रहा है। इसे थोड़ा सा आप बाहर निकाल कर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने पर अगर वो बॉल बनेगा तो आप स्टोव ऑफ कर सकते हैं। अब हम इसे ग्रीस प्लेट में डालेंगे। घी डाल रही हूँ प्लेट में, इसमें डालेंगे। प्लेट में घी डाला है, अब इसमें डालेंगे ये मैंगो पेड़ा और थोड़ा ठंडा होने तक वेट करेंगे। ठंडा हो चुका है, अब जो शेप में चाहिए वैसे शेप में आप कट कर सकते हैं। मैं हार्ट शेप में कट कर रही हूँ, देख लीजिए। सारा ऐसा काट के बाद में प्लेट में उल्टा करेंगे तो सारा निकल आएगा। मैंगो के लिए चेरी तो कॉन्ट्रास्ट रहेगा, तो इसमें डाल रही हूँ रेड चेरी। ये हमारा मैंगो पेड़ा बिल्कुल रेडी है। कितना स्वादिष्ट है ये, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंगो सीजन खत्म होने से पहले घर में बना लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें।